नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा और मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बात करते हैं कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रही जुबानी जंग की। खूब लड़ी मर्दानी की तर्ज पर कंगना रनौत ने खुलेआम महाराष्ट्र सरकार और ड्रग माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। जैसे ही ड्रग माफिया के खिलाफ एनसीबी ने अपनी कार्रवाई करना शुरू की है, उसके बाद तो जैसे महाराष्ट्र सरकार की जड़ें हिलकर रह गई है। पहले तो जब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस का शोर चारों तरफ फैला हुआ था, उस समय तक किसी को इतनी ज्यादा फिक्र नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इस केस का कनेक्शन ड्रग माफिया और बॉलीवुड माफिया से जुड़ा और उसके बाद कंगना रनौत ने खुलकर ड्रग माफिया के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए, जिनमें कई बॉलीवुड स्टार के भी नाम उसने सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए कितने बड़े स्टार मेडिकल टेस्ट कराकर यह साबित क्यों नहीं कर देते कि वे लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं। इस बयान के सामने आने के फौरन बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग माफिया के साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के बड़े अहदेदारों की कुर्सियाँ हिलने लगी। पहली फुर्सत में संजय राउत ने जंग की कमान अपने हाथ में ली और कंगना रनौत को धमकाने में लग गई। उसको कहा कि वह मुंबई नहीं आ सकती, लेकिन जब उसने जवाब दिया कि वह मुंबई आ रही है तो संजय राउत बौखलाहट में निम्न स्तर की भाषा पर उतर आए और उसे हरामखोर कहने लगे। इतना ही नहीं, यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि जिन लोगों की रोजी रोटी मुंबई से चलती है, जिन लोगों को काम और नाम मुंबई से मिला, वो भी मुंबई का आभार नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब है ऐसे लोग एहसान फरामोश है। इस पर भी कंगना नहीं मानी, वो मुंबई आने के लिए तैयार हो गई। इस पर संजय राउत और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि कंगना मुंबई की धरती पर जैसे ही कदम रखेगी तो मानो यहाँ की जनता उसकी मॉब लिंचिंग कर देगी। इन हालातों को देखते हुए कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है, जिसकी दो वजह थी। पहले कंगना रनौत को सुरक्षा देना और दूसरी उसे मुंबई में आते साथ गिरफ्तार या क्वारंटीन नहीं किया जा सके, क्योंकि वाई प्लस सुरक्षा वाले व्यक्तियों को हिरासत में ले जाने या गिरफ्तार करने से पहले केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कंगना के मुंबई आने से पहले इस तरह से मोर्चा जमा लिया था जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आने वाला हो। ऐसा लग रहा था कि ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाना महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, और इसके लिए उन्होंने आनन फानन में कंगना के ऑफिस को तोड़ने के लिए बीएमसी का नोटिस कंगना के ऑफिस पर लगा दिया। और बीएमसी ने बावजूद इसके कि हाईकोर्ट में ये मैटर पेंडिंग था, कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन ये गैर कानूनी कृत्य था। बीएमसी अगर किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने आती है तो सबसे पहले उस जगह के मालिक से घर के अंदर रखी हुई चीजों को हटाने के लिए कहा जाता है और उसे समय भी दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं किया गया। फिर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या पूरा का पूरा था या कुछ पार्ट, जैसा कि बीएमसी क्लेम कर रही थी, तो पूरा ऑफिस किस लिए तोड़ा गया? ये एक ऐसी अवस्था थी जहां पर महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और मुंबई पुलिस ने शिखंडी की तरह काम किया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और उनके प्रवक्ता संजय राउत मुखर रूप से ये आपराधिक कृत्य करते हुए नजर आए। लेकिन हैरानी तो महाराष्ट्र की जनता पर है। क्या महाराष्ट्र की जनता भी मूक दर्शक बन इस तमाशे पर तालियां बजा रही थी? आम जनता को किस बात का डर था? सिर्फ यही कि इतने इतने बड़े बड़े लोग ये तमाशा देख रहे हैं, तो ये तमाशा हमें भी चुपचाप देखते रहना चाहिए। और बॉलीवुड के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और छोटी छोटी बातों पर जिनके लिए भारत में इंटॉलरेंस हो जाता है, जिनकी पत्नी को यहां पर रहने में डर लगता है, जो आईएसआई और पाकिस्तान के घोषित एजेंट अनिल मसरत और नवीन मसरत के साथ पार्टियों में हाथों में हाथ डाले घूमते रहते हैं, भले ही वे अमिताभ बच्चन हो, अनिल कपूर हो, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, खान ब्रदर्स हो, शाहरुख खान हो, गौरी खान हो, जो टोनी असाई के साथ घूमते रहते हैं, या जावेद अख्तर, शवाना आजमी, फरहान अख्तर और स्वरा भास्कर जैसे लोग जो फ्री कश्मीर और सीए का विरोध करने के नाम पर कितने ड्रामे करते रहते हैं। लेकिन आज कंगना का ऑफिस तोड़ा जा रहा था, उसका घर तोड़ा जा रहा था, तो किसी की आवाज़ क्यों नहीं निकली? और जब हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के लिए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाते हुए उनके खिलाफ आदेश दिया, तब इन महानुभावों को जरा भी शर्म नहीं आई। सही कहा आपने शिव मोहन,
अभी भी कंगना कहीं से कहीं तक भी हारी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने बिल्डिंग तोड़ी है जो आज नहीं तो कल बन ही जाएगी, लेकिन कंगना ने इस पूरे ड्रग माफिया, बॉलीवुड माफिया और दाऊद के एजेंट का घमंड तोड़ दिया है। और अभी तो कानूनी लड़ाई में कंगना इन सभी के खिलाफ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आपराधिक प्रकरण दर्ज करा सकती है और कंपनसेशन के रूप में इनसे हर्जाना भी वसूल कर सकती है। ये लड़ाई अभी कहां तक जाएगी ये अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये माफिया जो अपने आप को आज तक अजेय समझता रहा है, झांसी की रानी की तरह कंगना भी इस माफिया के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है और आखिरकार जीत सच्चाई की होकर रहेगी। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि हम जिम्मेदार चैनल हैं, इसलिए बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी कुछ सियासी ड्रामा चल रहा है यह किसी भी नजरिए से देश हित में नहीं है। खबरों का सिलसिला मृदुभाषी पे इसी तरह लगातार जारी रहेगा। इसी तरह की तमाम दूसरी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।